सन्यासी की बुद्धि में ये बैठ जाता है, इस दुनिया के सुख जो हैं वो क्षणिक सुख हैं, इसलिए उनको इस दुनिया से वैराग आता है। राग माने प्यार, विराग माने विपरीत राग। वैराग आता है और इस दुनिया के सुखों को त्याग देते हैं, जबकि बोलते भी हैं ये दुनिया प्रवृत्ति से बनती है। क्या सबको सिखाते भी हैं कि प्रकृति और पुरुष दो के मेल से ये जगत तैयार होता है, संसार तैयार होता है। पुरुष को प्रकृति चाहिए और प्रकृति को पुरुष चाहिए, दो का मेल होगा और ये संसार बनेगा। चाहे कीड़े मकोड़ों का संसार हो, चाहे जानवरों का संसार हो, पक्षियों का संस्कार संसार हो, मनुष्यों का संस्कार संसार हो, राक्षसों का संसार हो, देवात्माओं का संसार हो, बनेगा कब? जब दो का मेल होगा। तो ये दो का मेल नई सृष्टि जब बनती है तो पहले पहले विष्णु रूप है जो परम पद है, ऊंचे से ऊंची कुर्सी है, ऊंचे से ऊंचा पद है, जिसको गीता में कहा गया है परमात्मा इति उदाहरतः। उसका नाम क्या दिया? उदाहरतः माने कहा गया है। क्या कहा गया? परम आत्मा। कैसी आत्मा? परमात्मा। क्यों? परमात्मा वो नहीं है? अरे परमात्मा जो ऊपर से ऊपर ऊंची स्टेज में रहने वाली है वो, या जो नीचे की दुनिया में नीचे से नीचे जाती है वो, पतित से पतित बनती है वो, है परम जो है आत्मा परम, उसको किसी से टैली किया जा सकता है? उसकी कोई संगठन में गिनती की जा सकती है? वो तो बोलता है ब्रह्म वाक्य मुरली में, जो गिनती में आए सो चक्कर में फंस जाए, और कोई गिनती में भी ना आए तो चक्कर के चक्कर में भी कभी नहीं फंसेगा। तो क्या करना है? अरे गिनती में आना है या नहीं आना है? हैं? गिनती में आना भी है माने चक्कर में फंसना जरूर है। और सन्यासी कहते हैं ये संसार चक्र गुण दोषमय है, यहाँ गुण भी है और अवगुण भी है। जिस सृष्टि में सन्यासी आते हैं वो सन्यासी के आने मात्र से ही इस दुनिया में कलयुग शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता? कलह कलेश का युग, जहां अवगुण ही ज्यादा होते हैं, कलाहीन युग, कला काया चट्ट हो जाती है। वो कलयुग जो है उसमें कोई गुण नहीं, अवगुणों की दुनिया है, अज्ञानता की दुनिया है। जिस समय वो आते हैं सन्यासी इस दुनिया में, उनका मुखिया जब आता है तो इस बात को पक्का समझे हुए है। क्या ये दुनिया है? क्षणभंगुर सुख की है। और क्षणभंगुर सुख कहां से आता है और दुख कहां से आता है ये भी वो जानते हैं। सुख आता है ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से। क्या आता है? सुख आता है। और मानवीय ज्ञान से दुख आता है। मनुष्य जो भी ज्ञान देगा
उस ज्ञान से दुख ही मिलेगा धारण करने वाले को। और ईश्वर को पहचान कर जो उसका दिया हुआ लेगा, क्योंकि असली सुख का सागर वो ही है। क्या उसे दुख का सागर कोई नहीं कहता? सुख का सागर ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला।